आज का हमारा टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। अभी इनका एडिशन करना है, तो Z1 प्लस Z2। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होता है और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। तो Z1 में रियल पार्ट है A, यहाँ पे A, और Z2 में C, यानी A प्लस C प्लस I इमेजिनरी पार्ट। अभी Z1 का इमेजिनरी पार्ट B है और Z2 का इमेजिनरी पार्ट D है, तो B प्लस D। ओके, तो इस प्रकार होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि A प्लस C प्लस I B प्लस D। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे Z1 और Z2, ये है Z1 और ये है Z2, दोनों का एडिशन हो रहा है। अभी इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 6 प्लस इमेजिनरी पार्ट। अभी इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 और 5, 3 प्लस 5। अभी पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो क्या आएगा, नेगेटिव 2 माइनस 6 प्लस आई 3 प्लस 5 मीन्स 8, और 2 माइनस 6 और 2 माइनस 6 मीन्स डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा, यानी माइनस 4 आएगा, बड़े की साइन आएगी, प्लस आई 8। तो माइनस 4 प्लस आई 8, आप देख सकते हो माइनस 4 प्लस आई 8। अभी कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको देखनी है। तो क्लोज और लो, क्लोज और प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो वो क्या कहती है कि सेम नंबर सिस्टम में ऑपरेशन होना चाहिए। मीन्स कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। ओके, Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 और ये Z2। अभी हम इन दोनों का एडिशन किया तो आपको जो लास्ट में जो आंसर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, Z3। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो क्लोजो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे तो कम्युनिटिव लॉ दिया हुआ है, तो कम्युनिटिव लॉ क्या कहता है, तो हमने कम्युनिटिव प्रॉपर्टी देखी थी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। आप इसका किसी भी तरह से एडिशन करें, Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो ये कम्युनिटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो एडिशन के लिए ये एप्लीकेबल है। आप देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे ये Z1 है और यहाँ पे Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 किया तो हमको माइनस 4 प्लस I8 आया। अभी हम Z2 प्लस Z1 करते हैं, उससे उल्टा करते हैं तो क्या आता है, तो उससे उल्टा करोगे तो माइनस 6 प्लस 2 आएगा प्लस I 5 प्लस 3 आएगा। तो आप देखो माइनस 6 प्लस 2 करोगे तो माइनस 4 ही आएगा प्लस I 5 प्लस 3 करोगे तो 8 ही आएगा। तो आंसर सेम आया, तो आप कोई भी ऑर्डर में करो एडिशन, आंसर सेम आता है कम्युटेटिव लॉ में। अभी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, Z1 प्लस Z2। ओके, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन पहले करना है, बाद में तीसरा ऐड करना है, वो किसके बराबर होता है, तो कि दूसरा और तीसरा का पहले एडिशन करो बाद में पहला ऐड करो। ओके, तो इस प्रकार होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करो, लास्ट में तीसरे का ऐड करो, या फिर दूसरा और तीसरा का एडिशन करो और लास्ट में पहला का एडिशन करो, दोनों का आंसर सेम आता है।
ओके तो इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे Z1 Z2, तो हमको मान ये Z1 है, ये Z2 और Z3 हम एज्यूम कर लेते हैं। Z3 है वो 1 प्लस I2, ये Z3 है। अभी हम पहले LHS करते हैं। LHS में क्या है, तो के Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अभी देखो Z1 प्लस Z2 क्या है, तो ये Z1 प्लस Z2 यानी ये मिला था हमको -4 प्लस I8, ये -4 प्लस I8, ये Z1 प्लस Z2 हमने किया था। ओके बाद में Z3 ऐड करो यानी 1 प्लस I2। अभी इनका एडिशन करोगे तो क्या आएगा, तो -3, ओके -4 प्लस 1 यानी -3, और प्लस आई 8 प्लस 2 यानी 10। ओके -3 प्लस I 10 आया। अभी ये LHS हो गया। अभी RHS हम चेक करते हैं, तो RHS किस तरह से होता है, तो RHS में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 में क्या है, तो 2 प्लस I 3 प्लस Z2 ने और Z3 दोनों का ऐड करो, तो Z2 क्या था, Z2 था -6 प्लस I 5 और Z3 था +1 प्लस I 2। इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या होगा, -5 -6 प्लस 1 यानी -5 और +I 5 और I 2 यानी I 7। तो ये हमारा Z2 और Z3 का एडिशन हुआ। तो यहाँ पे आएगा -5, ओके -5 प्लस I 7, ओके तो इस प्रकार होगा। अभी अभी यहाँ पे टू और माइनस फाइव मीन्स -3 प्लस I 3 और 7 यानी 10। तो हमारा क्या आया, -3 प्लस I 10, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ओके तो एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो यानी कि एडिशन करने के बाद वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा नंबर हम ऐड करोगे तो वही का वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सपोज कि Z1 है तो आंसर में भी Z1 मिलेगा एडिशन ऑपरेशन होने के बाद। तो हम 0 ऐड करेंगे ना, तब वही का वही नंबर मिलेगा। ओके 0 का मतलब क्या होता है, तो 0 प्लस I 0। ओके इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो 0 ऐड करने से हमको वही का वही नंबर मिलेगा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बाद में द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो कि कोई नंबर है सपोज कि Z1, उसमें कौन सा नंबर ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो कि -Z1। ओके -Z1 ऐड करोगे तो आंसर 0 आ सकता है। ओके यानी इसका नेगेटिव एग्जांपल सिंपल, सपोज 4 है तो 4 में कौन सा ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो आप बोलोगे -4। ओके तो 4 में -4 ऐड करते हैं तो 0 होता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 में -Z1 ऐड करोगे तो 0 आएगा। ओके तो ये -Z1 जो है -Z1, ओके वो -Z1 जो है वो एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि Z1 का एडिटिव इनवर्स -Z1 है। अभी आप देखो यहाँ पे किस तरह से एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, तो हमको क्या करना होता है, अंदर माइनस अंदर की साइन सभी चेंज हो जाएगी। ओके सपोज कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, ओके तो इसका एडिटिव इनवर्स यानी -Z इक्वल टू -A हो जाएगा प्लस I और ये -B हो जाएगा। ओके तो साइन सभी की चेंज हो जाएगी, तो वो एडिटिव इनवर्स है।
अभी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस कैसे नहीं उठा ले, यानी जेड वन माइनस जेड टू। तो इसमें क्या होता है कि जेड वन प्लस माइनस जेड टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो जो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू, उसका आपको क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स करना है। इसका एडिटिव इन्वर्स करके आपको ऐड करना है, तो उसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, जेड वन माइनस जेड टू, तो इसका मतलब जेड वन प्लस माइनस जेड टू, यानी जेड टू का जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको एडिटिव इन्वर्स करके आपको ऐड करना है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिक्स प्लस थ्री आई माइनस टू प्लस आई। ओके, अभी आपको सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, तो आपको जो सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, तो वो है टू माइनस आई, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, बाद में ऐड करना है। तो सिक्स प्लस थ्री आई प्लस टू का होगा माइनस टू और माइनस आई का होगा प्लस आई, टाइम चेंज हो जाएगी एडिटिव इन्वर्स में। बाद में आपको सिंपली ऐड करना है, सिक्स माइनस टू यानी फोर प्लस थ्री आई प्लस आई यानी फोर आई, और बड़े की साइन आएगी यानी प्लस का प्लस ही आएगा, फोर आई। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फोर प्लस आई फोर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ गया होगा, यहाँ पे आंसर आ गया है। ओके, अभी इसमें कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, जिसको हमने पहले ले लिया और इसको हमने बाद में लिया, यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो अगर ऑर्डर हमने चेंज कर दिया तो आंसर डिफरेंट आता है। देखो आंसर यहाँ पे डिफरेंट आया, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो आपको मालूम है कि 4 माइनस थ्री और 3 माइनस फोर दोनों का आंसर क्या अलग अलग आता है, 4 माइनस थ्री यानी 1 और 3 माइनस फोर यानी माइनस 1, तो दोनों का आंसर डिफरेंट आता है। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आया समझ में सभी को? ओके, तो अभी सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।